दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरे पास आज एक होलोनिक्स का चार्जिंग बल्ब है जो ख़राब है। आज अब इसको बनाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों इसको चेक करते हैं। ये रहे मेरा बोर्ड। दोस्तों कोई इंडिकेशन नहीं है, मतलब सप्लाई देने पर भी नहीं जल रहा है और ये ऐसे भी नहीं जल रहा है टच करने पर भी। तो आइए इसको खोलते हैं। पहले इसको हम कर देते हैं साइड में। दोस्तों इसको खोलने के लिए आपको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा कि यहीं से खुल गया, जबकि हमको इसको खोलना था। कोई बात नहीं, इसको भी खोल लेते हैं। दोस्तों ये बल्ब तो सारे ठीक लग रहे हैं। अब देखिए कोई भी बल्ब इसमें ख़राब नहीं लग रहा है, बल्ब सारे सही हैं। भाई इसका जो प्लेट है इसके बारे में हमको देखना होगा। जो मेरा सप्लाई आता है यहाँ से मेन एसी जो आता है सफ़ेद वायर के थ्रू यहाँ आता है, और उसका यहाँ पे एक वायर जो यहाँ लगा हुआ है यहाँ से, और आपका ये डायोड पे आ रहा है। जो ये चार डायोड मिला के एक आईसी नुमा बना होता है रेक्टिफायर डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर, एक पिन पे यहाँ आ गया। और दूसरा तार जो यहाँ लग रहा है एक रेजिस्टेंस के थ्रू, जो फ्यूज का काम भी करता है रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ आ रहा है इन दोनों पिन पे। और दोस्तों रेजिस्टेंस काला लग रहा है, लेकिन हम पहले इसकी चेकिंग करते हैं। मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखेंगे। बजर रेंज में मीटर को रख के अब हम पहले रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से यहाँ पे लगा हुआ है ये रेजिस्टेंस ख़राब है, कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। लेकिन अब हमको एक पहले शॉर्टिंग चेक करना है, क्या डायोड में शॉर्टिंग है। दोस्तों यहाँ शॉर्टिंग तो नहीं लगा रहा है, दूसरे ओर से चेक कर लेते हैं। इधर से भी सही बता रहा है, दूसरी साइड में दोस्तों यहाँ अगर बीप की आवाज़ आती तो शॉर्ट माना जाएगा, लेकिन शॉर्ट नहीं बता रहा है, तो कहीं शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। तो दोस्तों हम रेजिस्टेंस निकालते हैं और पहले रेजिस्टेंस को हम चेंज करके देख लेते हैं। मेरे पास ये 2.2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको हम लगाएंगे। बड़ा हुआ भाग काट देते हैं। अब फिर हम इसको सप्लाई देके चेक करते हैं कि बल्ब सही हो गया या ख़राब है। तो आप जब भी इस तरह का कोई भी पार्ट चेक करिए तो कोशिश करिए कि आपके पास सीरीज बोर्ड हो, उसी से चेक करिए, नहीं तो जो नहीं ख़राब है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो हम सीरीज बोर्ड लगा दिए हैं और सप्लाई देते हैं। दोस्तों ये बल्ब जल जा रहा है, इसका मतलब है कि मेरा शॉर्टिंग आगे भी, देखिए आगे शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग अब दो तरह की शॉर्टिंग होती है, एक होती है हाफ शॉर्टिंग, एक होती है फुल शॉर्टिंग। तो जो हाफ शॉर्टिंग होती है उसमें आपका मीटर का जो बजर है ये आवाज़ नहीं करेगा, और जो हाफ शॉर्टिंग और जो फुल शॉर्टिंग होता है उसमें हमारा मीटर का बजर बजता है। तो यहाँ हमको शॉर्टिंग फुल नहीं देखने को मिल रहा है। आप देखिए न इधर कहीं आपको फुल नहीं मिल रहा। ऐसे में हमको अब सबसे पहले इसके जो ये सेफ्टी कैपेसिटर लगे हुए हैं
ये दो, क्योंकि एक हाई वोल्टेज के कारण अक्सर यही पहले जलते हैं। तो सबसे पहले हम इनको दोनों को ओपन करके इनका शॉर्टिंग चेक करेंगे, कुछ शॉर्टिंग है या नहीं है। तो पहला हम इसको ओपन करते हैं जो हमारा लगा हुआ है प्राइमरी में, इसको ओपन करते हैं। अब मेरा निकल चुका है ये कैपेसिटर का एक पिन, मैंने ओपन कर दिया है, देखिए एक पिन ओपन है। अब हम दूसरे पिन पे तार रख के और यहाँ चेक करते हैं, तो ये कैपेसिटर एकदम सही बता रहा है, कोई शॉर्टिंग, आप देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है। मीटर में आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी शॉर्टिंग नहीं। इसको हम वापस लगा देते हैं जैसे था वैसे, फिर इसको सोल्ड कर देते हैं। अब हमको करना यह है कि जो हमारा सेकेंडरी में इस डायोड के बाद जो फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, पहले हम इसको चेक करेंगे। तो इसको ये हम एक पिन को ओपन कर देते हैं, एक पिन बाहर निकाल देते हैं जिससे हमारा चेकिंग स्पष्ट हो जाए। तो इसका एक पिन बाहर हो चुका है, अब हम इसको भी चेक करते हैं। एक तार इसके एक इस पॉइंट पे रखते हैं और दूसरा यहाँ रखते हैं। दोस्तों ये हमारा जो कैपेसिटर है ये रीडिंग दे रहा है, मतलब फुल शॉर्टिंग नहीं, ये हाफ शॉर्टिंग है। आप मीटर में देखिए ये कुछ रीड कर, जबकि कैपेसिटर को कोई भी रीडिंग नहीं देना चाहिए, तो ये रीडिंग दे रहा है। तो हम इसको पहले चेंज करेंगे, इसको हम निकाल लेते हैं और दूसरा कैपेसिटर इसके जगह डाल देते हैं पहले। दोस्तों मेरे पास ये कैपेसिटर है, इसको भी हम पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो भी आप पार्ट लगाएं, नया हो या पुराना, आप उसकी एक बार चेकिंग करके ही पीसीबी में लगाएं। तो दोस्तों ये कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा ओके है। तो इसको हम फिट कर देते हैं, यहाँ रहा। दोस्तों इसमें कैपेसिटर में कोई प्लस माइनस होता नहीं है, आप किधर से भी लगा सकते हैं, उल्टा या सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा या ख़राब जो भी लगे आप कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों ये सोल्ड हो चुका है, अब फिर हम इसको चेक करते हैं कि मेरा शॉर्टिंग ख़त्म हुआ या नहीं। तो ये रहा सीरीज बोर्ड, या हम प्लग को लगा लेते हैं और फिर इसको तो ये सक्सेसफुल्ली ये काम करने लगा। आप देखिए, आप देख सकते हैं, तो बहुत नॉर्मल फॉल्ट था, एक कैपेसिटर की वजह से ये पूरा बल्ब हमारा ख़राब था। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।